बातों ही बातों में क्या हिमांशी खुराना ने अब आसिम रियाज को एक बार फिर से ताना मार दिया है। अब यूं तो हिमांशी और आसिम कई बार लैमलाइट में आ जाते हैं और इसकी खास वजह होती है कि इनका ब्रेकअप। जैसा कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, रिलीजन को इन्होंने अपने ब्रेकअप की वजह बताई, लेकिन बावजूद इसके हिमांशी खुराना की कई बार की ऐसी बातें सामने आ जाती है जहाँ की लोग टारगेट करते हैं आसिम रियाज को। और फिर एक बार कुछ ऐसा ही हुआ है कि हिमांशी खुराना का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहाँ की हिमांशी खुराना ने रिलीजन के अलावा ब्रेकअप की वजह बताई और इन वजह को हिमांशी के फैंस आसिम से जोड़ रही हैं। दरअसल इन वीडियो में हिमांशी खुराना का कहना ये रहा कि मैंने जिस भी रिलेशनशिप से स्टेप बैक किया है वो सिर्फ डिसरेस्पेक्ट की वजह से किया है। कोई लड़की जो होती है, लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो गोल्ड डिगर है। मुझे लगता है लड़की किस भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। औरत को जंग में कभी गाली से नहीं बल्कि प्यार से हराया जा सकता है। औरत जो किसी भी सिचुएशन में आपका साथ दे रही है तो वो सिर्फ आपके रिस्पेक्ट की वजह से। अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके सराउंड की रिस्पेक्ट हो रही है, आपके डिसीजन मेकिंग की रिस्पेक्ट हो रही है, तो फिर कोई भी बंदा रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बनाता है। और अगर उस चीज में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा तो 8 मिलियन लोग हैं, कोई एक सेट हो जाएगा। हालांकि हिमांशी खुराना ने अपनी इन बातों में कहीं भी आसिम रियाज का नाम नहीं लिया है, लेकिन इन सभी बातों को आसिम से ही जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहां बात हुई है धर्म की रिस्पेक्ट की, जो कि आसिम और हिमांशी में ब्रेकअप की वजह बने हैं। वेल, आपके क्या है कहने कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।